हाय गाइस, वेलकम टू मैथ पीबीएन चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा 4 नंबर सीरीज के क्वेश्चन। एक मैंने ये सामने आपके लिखा हुआ है, इसके पॉसिबल आंसर दिए हुए हैं 31, 28, 34 एंड 38। ये आंसर है, इनमें से एक आना है। ये नंबर सीरीज है, सीरीज मेरे पास है 2, 7, 14, 23। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपने नंबर लिखना है और ये 47 है। तो इसका आंसर इन 4 ऑप्शंस में से आएगा। इससे पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो गाइस देखते हैं, हर नंबर सीरीज़ को सोल्व करने का एक ट्रिक होता है। ये देखिए 2, 7, 14, 2 से 7 तक कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर 7 से 14 तक कितना डिफरेंस आ रहा है और किस तरह आ रहा है, 14 से 23 तक कितना डिफरेंस आ रहा है, इस तरह से हमें जज करना होता है। तो आप देखें, 2 से जो 7 के दरमियान आ रहा है +5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 7 से 14 की तरफ चलें तो इसमें +7 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद 14 से 23 की तरफ चलें तो +9 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 23 से नंबर की तरफ चलें तो ये हमें पता नहीं, अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो हमने देखना है। तो आप देखें, ये +5 फिर +7 +9, ये प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो +11 है। +11 को 23 में सम अप कर दें, 23 + 11 कर दें, आपके पास 34 आंसर आएगा। इस सीरीज़ में आपके पास 34 फिट होगा। 34 में अब आप नेक्स्ट जो प्लस करेंगे वो +13 होगा, तो आपकी नंबर सीरीज़ ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है दोस्तों ट्रिक इस नंबर सीरीज़ को ये सॉल्व करने का। इस तरह की और क्वेश्चन भी हैं, वो आपको बताता हूँ। सिंपल से हम डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे, कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको ट्रिक सीखना होगा। नेक्स्ट एक और मेरे पास एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे पास है 4, 6, 12, 14, 28 एंड 30। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हमने निकालना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब इसके पॉसिबल जो आंसर हैं हमारे पास वो हैं, यहाँ पे है 32, यहाँ तो ये आएगा आंसर, या 64, या इसमें है 62, और यहाँ इसका आंसर है 60। अब आपने इसमें से जज करना है कि इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, ये 4 है और 6, 2 का डिफरेंस है, फिर 6 और 12 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। ये कुछ इस तरह की सीरीज जो है वो समझ में नहीं आ रही। देखते हैं, अब इसको 2 हिस्सों में तकसीब कर लेते हैं, डिवाइड 4, उसके बाद 12, उसके बाद 28। थोड़ा सा ट्रिक समझे आप, फिर 6, उसके बाद 14, उसके बाद 30, 6, 14 एंड 30। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा गौर करना होगा। ये देखिए 4, 8, 12 के दरमियान +8 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद 12 और 28 के दरमियान +16 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें +8 का डिफरेंस आ रहा है और इसके दरमियान +16 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इस तरह से डिफरेंस आ रहा है। अब आप देखें, इसको इसके साथ मैच किया, इसको इसके साथ मैच किया, ये तो हो गए 3 नंबर पूरे। अब ये देखिए 6 और इसको प्लस किया और इसको प्लस किया। अब आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन का आंसर कौन सा आना चाहिए। अब आप देखिए जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें आपका, अब हमें ये देखना होगा कि ये 4 से 12 और 28, ये 6 से 14, फिर 30, अब 28 में कुछ हमें प्लस करना होगा। वो प्लस क्या करना है, इसका डबल यानी कि 32। अब हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं किस में, 32 प्लस करना है हमें किस में, करना है हमें 28 में। 28 + 32 = 60। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 60। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का, 4, 9, 13, 22, 35। ये एक और क्वेश्चन है। अब इसका हमें, और यहाँ पे हमें आंसर चाहिए। अब इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हैं, 57, 70, 63 एंड 75। इसको करना है, अब आपने इसका आंसर निकालना है। पहले तो समझ लीजिए 4 से 9 के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, फिर 9 से 13 के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, या किस तरह से ये आ रहा है, हमें ये सीखना होगा किस तरह से आ रहा है। अगर हम गौर करें, 4 + 9 = 13, 13 + 9 = 22, 22
प्लस नेक्स्ट नंबर मेरे पास है 35, दैट इज इक्वल टू 57। तो सर्च करें क्या ये हमारे पास सीरीज बन रही है। तो गाइस ये देखिए 657। इस नंबर सीरीज में हर पिछले नंबर को नेक्स्ट में ऐड कर देना है, हर प्रीवियस नंबर को नेक्स्ट में ऐड करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस एक और क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा इसको देखना होगा हमें। 15, 31, 63, 127, 225 एंड द आंसर इज हेयर। इसके जो आंसर्स हैं वो है 513, 511, 523, 517। ये फोर आंसर में से हमने आंसर निकालना है। तो गाइस देखते हैं, अब आप देखें 15 से ऑनवर्ड 15 और 31, कोई सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर 63, तो ज़रा इसको देखते हैं गौर से। 15 में 15 प्लस कर दिया, ये कितना बना 30, लेकिन यहाँ पे 31 नहीं, यहाँ पे प्लस 1 कर देते हैं। फिर 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 62 प्लस 1, गाइज ये कितना बन गया 63। सीम्स के ये सीरीज कुछ इस तरह से बन रही है, 63 प्लस 63 ये आ जाएगा 6, और ये 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 127 एग्जैक्टली। इट मीन्स के हर नेक्स्ट नंबर में, यानी कि हर नंबर का डबल करने के बाद आप +1 कर दें, तो ये 225 प्लस 225 050, इसको दे दिया आपने 5 और ये 4। तो गाइज इसमें देखते हैं ज़रा, ये वाला नंबर 220, सॉरी ये नंबर आएगा आपके पास 255। फाइन, तो इसको कर लेते हैं, यानी कि हर नेक्स्ट यानी कि हर नंबर में 255 255 0, देखें आप इसको दे दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1, और इसको दे दिया आपने 510, इसमें +1 कर दें तो ये 511। तो गाइस सर्च करते हैं 511 हमारे पास है, तो इसका आंसर है 511। अब इसकी सेंस इस तरह से बनती है कि हर नंबर को डबल करने के बाद उसमें +1 कर दें, हर प्री यानी कि हर प्रीसीडिंग नंबर को डबल करें उसमें +1 करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, हर प्रीसीडिंग नंबर में को डबल करें उसमें +1 करें तो नेक्स्ट आ जाएगा, हर प्रीसीडिंग नंबर को डबल करें उस पर +1 करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। सिमिलरली 127 प्लस 127 इज इक्वल टू +1 255, एंड 255 को डबल कर दें +1 कर दें तो आपके पास 511 आता है। गाइज इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मैथ वीबीएन को, इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए, नंबर सीरीज, रीजनिंग ट्रिक्स के लिए, फिगर काउंटिंग के लिए, और इस तरह के और जो है क्वेश्चंस के लिए।